नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बात करूंगा आज मस्कत एयरपोर्ट को लेकर, जो कि फाइनली गुड न्यूज़ आ रही है। एक के बाद एक लगातार बेहतरीन अपडेट निकल के आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि वहां से काफ़ी भारी मात्रा में इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेट करना स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन अपडेट है। पूरा मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कब तक चालू भी हो सकता है, साथ ही आज के दिन की देखा जाए तो कितनी फ़्लाइट मस्कत एयरपोर्ट से यहाँ से मतलब ओमान में आएंगी और जाएंगी। पूरा बाकायदा शेड्यूल आया तो पूरा डिटेल इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग तो सबसे पहले कमेंट कर रहे हैं कि ओमान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मस्कत है वो कब चालू होगा। इसको लेकर प्रॉपर अपडेट तो अभी किसी के पास नहीं है। सबसे नंबर वन बात तो ये है, क्योंकि बहुत सारे लोग यही सवाल सबके जुबा पे यही बस है कि मतलब मस्कत एयरपोर्ट कब चालू होगा। तो मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू होने का तो कोई अपडेट निकल के नहीं आ रहा। यह तो अपडेट सुप्रीम कमेटी के पास ही होगी कि कब तक चालू होगा या नहीं। अभी 10 दिन के बाद हो सकता है, सितंबर में हो सकता है ऐसा, ये 100% नहीं है। मैं हूँ एक उम्मीद है, क्योंकि लगातार देखा जाए तो जितनी मतलब कल भी काफ़ी भारी मात्रा में इंडिया हो गया और बहुत सारी कंट्रियों के लिए फ़्लाइट ऑपरेट कर रही हैं। आज की अभी बताऊंगा कि आप बाकायदा अभी एक लिंक भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिस पे क्लिक करके आप डेली डेली अपडेट वहाँ से ले सकते हैं कि कितने तारीख को कितनी फ़्लाइट ऑपरेट करने वाले हैं। जी हाँ, बड़ी अपडेट है, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें। आज की अगर जो बात करें तो आज आपको बता दें 29 फ्लाइट है। कल जो था, कल भी काफ़ी तकरीबन 31 फ्लाइट थे, ऐसे में कल 31 नहीं थे, तकरीबन जुमेरात को 31 फ्लाइट थी। इसी तरह मतलब डेली 30-25 फ्लाइट डेली मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप ऐड कर रही हैं। आज की बात करें तो यहाँ पे आपको तो दो इंडिया के लिए 9 फ्लाइट का ऑपरेट करना, जो कि दिल्ली अहमदाबाद कोलोकाटी और हैदराबाद हो गया। उसके बाद 2 फ्लाइट फ्रॉम दुबई, मतलब 2 फ्लाइट UAE के लिए गई हैं, जो कि दुबई, और उसके बाद 3 फ्लाइट मतलब दोहा कतर के लिए भी गई हैं मस्कत एयरपोर्ट से। वहाँ से आएंगे जाएंगे दोनों रहेगा। उसके बाद फिर बात करें 4 फ्लाइट इजिप्ट, मतलब इजिप्ट इजिप्ट के लिए भी 4 फ्लाइटों का ऐलान किया हैं मस्कत एयरपोर्ट से, वो आज के दिन जाएंगी। और आपको बता दें 5 फ्लाइट बांग्लादेश के, 5 फ्लाइट जो हैं बांग्लादेश और सऊदी अरबिया, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के लिए, मतलब बांग्लादेश में भी फ़्लाइट जा रही है ओमान एरिया। तो मैं कल वीडियो बनाया था कि आप बाकायदा इसको जाके देख भी सकते हैं कि बांग्लादेश हो गया, अफ़गानिस्तान के लिए भी मतलब अफ़गानिस्तान का भी मतलब वहाँ मस्कत एयरपोर्ट से भी फ़्लाइट गई है, उसके बाद पाकिस्तान का भी फ़्लाइट गई है। तो मतलब फाइनली स्लोली स्लोली देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन अपडेट आ रहे हैं। जिस तरह ओमान में मरीज समय बीमारी का हालत देखा जाए तो काफ़ी कम चल रहा है, काफ़ी कम चल रहा है ना, क्योंकि 100, 120 या 170 ऐसा डेली आते हैं। अभी तो नहीं आ रहा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने तो पहले ही कहा कि मतलब छुट्टियों के दिन में हम अब ऐलान नहीं करेंगे, छुट्टी चल रहा है इसकी वजह से ऐलान नहीं किया जा रहा। आने वाले मतलब मंडे या संडे को ऐलान किया जाएगा, लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो केस काफ़ी कम है, और केस कम है इसकी वजह से मतलब काफ़ी भारी तादाद में 29 फ्लाइट आप समझ सकते हैं एक ही दिन में ऑपरेट करने वाली है बहुत सारी कंट्रियों के लिए, इंडिया के लिए केवल नहीं, बहुत सारी कंट्रियों के लिए, क्योंकि इसमें मतलब कार्गो प्लेन भी हो गया और प्लेन भी हो गया, पैसेंजर प्लेन भी आएंगी जैसे आएंगी और जाएंगी, मतलब काफ़ी बेहतरीन एक देखा जाए नॉर्मल स्थिति में, मतलब दिन ब दिन, क्योंकि पूरी दुनिया को देखा जाए तो पूरी दुनिया भी मतलब नॉर्मल स्थिति में लगातार पहुंचता ही जा रहा है। तो काफ़ी बेहतरीन अपडेट है, और वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, जो कि मस्कत एयरपोर्ट ने, ओमान एयरपोर्ट ने खुद इसको जारी किया। इस पर आप डे बाई डे मतलब अभी आज का भी देख सकते हो जो 29 फ्लाइट का शेड्यूल है, कल का भी आप देख सकते हो, डेली मतलब बाकायदा उस पर लिस्ट आ जाता है। आपको जिस दिन का कल का देखना है तो कल भी सर्च कर सकते हो, परसों का देखना है तो परसों भी सर्च कर सकते हो, नहीं तो आप जिस जैसे मस्कत टू मुंबई सर्च करना चाहते हो तो वो भी आप सर्च करते हो। तो वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप क्लिक करके बाकायदा जाके आप अपना शहर देख सकते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या अदर भी कोई भी कंट्री के हो, ये नहीं है, युगांडा हो गया, तुर्की हो गया, हर एक कंट्री का शेड्यूल उसमें जो मतलब ऑपरेट करेंगी मस्कत एयरपोर्ट से फ़्लाइट वो उसमें आएगा, या वहाँ पे इन मतलब कोई भी कंट्री से मस्कत एयरपोर्ट जो फिर जो फ़्लाइट आएगी वो भी पूरा शेड्यूल बाकायदा उसमें दिखाया जाएगा। तो वीडियो के नीचे वो लिंक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।